जब कोई इंसान कोमा में जाता है तब वो जिंदा होता है, सांसें ले रहा होता है, लेकिन वो कॉन्शियस नहीं होता। कुछ कोमा के केसेस में लोगों की थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन काफी हद तक केसेस में 100% कॉन्शियसनेस लूज हो जाती है। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसी बीमारी जब इंसान कॉन्शियस हो, उसे पता हो कि वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है, अपने आसपास चीजों को देख पा रहा है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा। ऐसी एक बीमारी असलियत में एग्जिस्ट करती है और इसे कहा जाता है लॉक्ड इन सिंड्रोम। एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट कॉन्शियस तो है लेकिन वो किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं कर सकता। इसे स्यूडो कोमा भी कहा जाता है। इसमें पेशेंट की आंखों के नीचे की सारी मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं। खाना खाना, चबाना, बोलना, सांस लेना जैसी बेसिक एक्टिविटीज के लिए भी एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अपनी आईज वो मूव कर सकते हैं, अपनी आंखों के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं ब्लिंक करके। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक डिसऑर्डर्स में से माना जाता है, क्योंकि इमेजिन करो अपनी ही बॉडी के अंदर ट्रैप हो गए हो। 2007 में एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी थी इस पर, बायोग्राफिकल ड्रामा थी, डाइविंग बेल एंड द बटरफ्लाई।